तो देखिए, राहुल गांधी जैसा कद, राहुल गांधी जैसी शक्ल, राहुल गांधी जैसी दाढ़ी और कांग्रेस के कार्यकर्ता और चाल भी, लगभग चाल भी, और इस ठंड में उन्हीं की तरह टी शर्ट पहनकर चल रहे, बड़े बड़ा दिलचस्प ऐसा राहुल गांधी जैसा क्या बाल, ये बाल बाल, और दूर से अगर आप देखेंगे पहली नजर में धोखा खा जाएंगे कि ये राहुल गांधी तो नहीं है। और न सिर्फ लुक राहुल गांधी जैसा इनका लग रहा है, बल्कि राहुल के अंदाज में ही सफेद टी शर्ट वो भी इस ठंड में पहन करके चल रहे हैं। जो सफेद टी शर्ट है ये इसीलिए तो आप पहनकर चल रहे हैं ना, क्योंकि राहुल गांधी भी सफेद टी शर्ट में चल रहे हैं। राहुल गांधी का दीवाने हैं हम, ऐसे चलेंगे जैसे राहुल गांधी चल के ऐसे हम चलेंगे। ये बहुत बढ़िया, उन्हें ठंड नहीं लग रही है, आपको भी ठंड नहीं लग रही है? मैं वो तो बल्कि उन्हें ठंड लग सकती है, मुझे नहीं लग सकती, मैं तो किसान आदमी हूँ। अच्छा। मैं किसान का बेटा हूँ, मुझे नहीं लगेगी ठंड। पहली बार आपको देखा, मुझे बड़ी हैरानी हुई। तो लोगों ने आपको कब से कहना शुरू किया कि आप राहुल की तरह दिखते हो? तकरीबन मैं जब से कांग्रेस कार्यकर्ता मतलब पार्टी में जुड़ा था, मैं ढाई तीन साल पहले पार्टी में जुड़ा था, लेकिन ज्यादातर लोग एक साल से मुझे राहुल गांधी कहते हैं। साल भर से? जी जी, एक साल से। क्लीन शेप में भी आप राहुल गांधी लगते हैं? बिल्कुल। ठीक है, तो जरा हाथ बात हिलाइए वरुण, जरा इनको क्लोज शॉट में दिखाइए कि किस तरीके से न सिर्फ दिखते हैं बल्कि राहुल के अंदाज में ही। फैसल जो जिस अंदाज में आप हाथ हिला रहे थे लोगों को दिखाकर देखकर, वो जरा करिए, वो कैमरामैन हमारे शूट कर रहे हैं। ये देखिए, दूर से आपको नहीं लगेगा कि राहुल गांधी नहीं है, चाहे बाल की बात करें, दाढ़ी की बात करें। हालांकि राहुल गांधी की दाढ़ी अब और ज्यादा हो गई है। जो हमारे साथ चल रहे शख्स, फैसल इनका नाम है, उन्हीं के जैसे लगते थे और राहुल की तरह ही टी शर्ट में चल रहे हैं, और इनका कहना है कि ये किसान है इसलिए इन्हें ठंड नहीं लग रही। इस यात्रा का मतलब ये नहीं है कि हम सीट हासिल करने के लिए यात्रा निकाल रहे हैं। इस देश में नफरत फैली हुई है, बेरोजगारी फैली हुई है, उसके खिलाफ ही यात्रा निकल रही है। हमें नफरत हटानी है और हिंदू मुस्लिम भाईचारा बनाना है और बेरोजगारी को खत्म करना है, इसी वजह से हम यात्रा निकाल रहे हैं। कामयाबी है इसमें? जी बिल्कुल, कामयाबी मिलेगी आखिरी में। अभी देखिए, अब इसमें क्या नाम, जब ये यात्रा शुरू हुई, अभी मोदी जी ने इसमें जॉब्स निकाली थी 65,000, उससे पहले कभी नहीं निकाली। वादा क्या था? 2 करोड़ नौकरियां का एक साल के अंदर, एक भी नौकरी नहीं दे पाए। आखिरी में फैसल, राहुल से मिले आप? अभी तक राहुल गांधी से मिले हैं कि नहीं? नहीं, अभी नहीं मिला।